नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, ये जो खबर है पीसीएस 2018 की प्री की परीक्षा सवालों के घेरे में, तो ये सुबह से ही है। ये 28 ओएमआर सीट पर लेकर कुछ घमासान चल रहा है आज सोशल मीडिया पे। ये देखिए, ये जो 28 सीटें हैं इसी को लेकर चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये देखिए, इसका पहले सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ है। एक्चुअली कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीसीएस प्री का, तो उसमें एक सेंटर पे जहाँ कॉपियाँ सभी भेजी जाती हैं डाक के द्वारा, तो उसमें से क्या हुआ कि जो 28 ओएमआर सीट है वो डायरेक्ट ना भेजकर पर्यवेक्षक 4 दिन बाद, मतलब परीक्षा के 4 दिन बाद डायरेक्ट आयोग में जमा कराए हैं। तो अगर ये सच्चाई है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है और इससे तो पूरा एग्ज़ाम ही आपको संदेह के घेरे में आ जाएगा। लेकिन जब ये बात कल मीडिया पे फैली तो आयोग के पास भी ये बात पहुंची, तो आयोग ने सीधा सीधी इसको मना किया। आयोग ने आरोप को खारिज किया है और कहा कि ये फालतू का फैलाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जब सीबीआई टीम जांच कर रही थी तो उन्हें यह गड़बड़ी पकड़ी गई है, उनके द्वारा ये गड़बड़ी पकड़ी गई है सीबीआई के द्वारा। चूँकि सीबीआई, जैसे हम लोग को पता है कि सीबीआई जो है आपको 2015 वगैरह की जो एग्जाम हुई थी उसकी जाँच कर रही है, 18 की उसमें से कुछ नहीं है। तो वे कह रहे हैं कि देखिए, ये एक लाइन है जो काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं होता, कह रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने सीबीआई के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए पीसीएस 2018 में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप है कि शाहजहांपुर के एक केंद्र में द्वितीय पत्र की 322 ओएमआर कॉपियों का प्रयोग हुआ था, लेकिन आयोग को परीक्षा वाले दिन 311 ओएमआर कॉपी डाक के माध्यम से भेजी गई, बाकी 11 ओएमआर कॉपियां वहां के पर्यवेक्षक ने 4 दिन बाद आयोग को रिसीव कराई। तो यहां आपको 11 कॉपी की बात हो रही है पेपर 2 की, और यहां 28 कॉपी की बात हो रही है एमआर की। तो अभ्यर्थी की शिकायत पर सीबीआई थोड़ी जाँच करेगा, ये जहाँ तक बात है। ये अभ्यर्थी की शिकायत पर सीबीआई सब जांच करती नहीं है, सीबीआई तो सरकार बोलती है तो उसके कितने दिन बाद जांच शुरू होती है। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये आपको एक अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर ये सच्चाई है तो काफ़ी ये बहुत बड़ा चीज़ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आयोग में इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं, और घट रही हो तो फिर कहना ही क्या, फिर तो किसका रिजल्ट आएगा किसका रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो सब फिर आयोग पे ही डिपेंड हो जाता है। तो इन सब चीज़ पर ध्यान ना दें, और रिजल्ट की जो बात है वो शायद नेक्स्ट फ्राइडे आ सकता है। तो अब अचानक से अभी क्यों फैला जा रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जब ये बात थी तो उस समय फैल सकती थी, लेकिन सीबीआई बता रहा है कि अभी उन्हें पता चला है, लेकिन आयोग ने अभी कोई मुहर नहीं लगाया है, सरकार की तरफ से मुहर नहीं है, सीबीआई की तरफ से ये चीज़ बातों की मुहर नहीं आई है। तो ये सोशल मीडिया पे ही जो भी हैं सूत्र या मीडिया जो है वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला है। तो सोशल मीडिया की न्यूज़ कितनी सच्चाई रहती है ये तो सबको पता है हम लोग को। तो दोस्तों, यही था, ये न्यूज़ था, सुबह वायरल हुआ है तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। जो पेपर पढ़ते हैं उन्हें तो पता हो ही गया होगा, और जो दूर दराज में रहते हैं उन्हें शायद पता ना चला हो ये न्यूज़। तो ये काफ़ी विवाद में है, कल से ही है ये न्यूज़, और इसमें मेरे पर्सनल जो है व्यू है ये फेक है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और क्योंकि ऐसा नहीं होता किसी आयोग में इस तरह की धांधली इस तरह इस लेवल पे कि सीधे ओएमआर सीटी रखकर अगले पर्यवेक्षक खुद जाकर दे रहे हैं, इसका मतलब तो 28 सीट तो आप इसी तरह माइनस कर दो अगर इसमें सच्चाई है, तो उसके बाद फाइट करो। अगर यहाँ हुआ है तो कई जगह भी हुआ होगा इस तरह का, तो इन सब चीज़ों की सच्चाई नहीं है, स्टडी पर कंसंट्रेट करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।